नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल। आज की वीडियो के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं ढेर सारा गुड़, करीवा गुड़, उजरका गुड़, ताकि आपको हमें बता सके गुड़ देख के आप इसको कैसे पहचानेंगे कि अच्छा वाला गुड़ खा रहे हैं कि खराब वाला गुड़ खा रहे हैं। सबसे पहले खोलते हैं ये वाला गुड़, करीवा निकलता है उजरका है तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। ये है उजरका गुड़, उजरका गुड़ इसका नाम है। देसी पेशी गुड़ देख रहे हैं, देसी का नकली पेशी गुड़ आ गया। ये हमारे पास एक है पेशी गुड़। ओके, जो दूसरा जो गुड़ हमने लाए हैं उसको बोलते हैं जगरी, ये भी जगरी ही है। तो ये देखिए आ गया करीवा गुड़। तो ज्यादातर जो लोग वीडियो बनाते हैं इंटरनेट पे वो आपको बहुत डराते हैं, ये खा खा ये मत खाओ, इसमें मिला देंगे तो चाय में तो दूध में तो जहर बन जाएगा, वो वगैरह वगैरह। ऐसे उसी तरह से गुड़ के या चीनी के बारे में ढेर सारे मिथ फैला हुआ था। लेकिन आज मैं खुद इतू सा आपको डराने वाला हूँ, लेकिन आप डरिएगा नहीं, क्योंकि मैं उसका आपको इलाज भी बताने वाला हूँ। गुड़ को, इस मिथ को दूर करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा खुद से गुड़। लेकिन मैं खुद से गुड़ इसलिए नहीं बनाऊंगा, उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जानना होगा कि गुड़ बनता कैसे है। गुड़ का बनाने का प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। पहले हम गन्ना लेते हैं, जूस बनाते हैं, जूस को सिर्फ गर्म कर देते हैं। गर्म करने के बाद उसमें क्या होता है कि उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, पानी ढेर सारे होते हैं। जब पानी को गर्म करेंगे तो पानी वापरेट होगा, धीरे 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 उसमें शुगर का कंसेंट्रेशन बढ़ता जाता है। दोस्तों पहली प्रक्रिया जो उसमें डेवलप होती है उसको बोलते हैं मोलासेज। हमारे गांव में इसको खाड़ बोलते हैं, लेकिन कई जगह खाड़ को, हाँ खाड़ ही बोल रहा हूँ, कई जगह खाड़ को कुछ दूसरे नाम से जाना जाता है। तो आपके यहाँ इस मोलासेज को किस नाम से जाना जाता है वीडियो में कमेंट करके बताएं। इस तरह से सेमी सॉलिड के फॉर्म में हो जाता है, इसको बोलते हैं मोलासेज। अगर हम इसको और गर्म करें तब बन जाता है हमारा ये गुड़। बड़ी सिंपल सा प्रोसेस है। ए काला सा काला, होय 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 काला सा काला, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, वगैरह वगैरह। जो काले होते हैं जनरली ऐसा लोग मानते हैं कि जो लोग गुड़ काला कलर का होता है वो नेचुरल फॉर्म में होता है, उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं मिलाया जाता। जो गुड़ आपके पास ब्राउन कलर, येलो कलर, रेड कलर या इस टाइप के जो कलर होते हैं, वो गुड़ हमेशा जो है नकली होता है। नकली इन द सेंस कि इसमें केमिकल मिला के इसको गोरा किया गया, इसमें केमिकल नहीं मिला गया, इसलिए जो है 7 दिन में गोरा करने वाला क्रीम इसमें मिलाई नहीं गया, इसलिए ये शुद्ध गुड़ है। कुछ हद तक सही है, लेकिन गुड़ जहां पे बनाया जाता है, कुछ लोग, सारे लोग नहीं, कुछ लोग जो है इसमें कलर मिला जाता है, ऐसे। नंबर एक। नंबर दो, चीनी कुछ इस तरीके से दिखती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि चीनी जो है खराब होता है गुड़ की तुलना में, कुछ लोग ये चीनी ही गुड़ बनाने की प्रक्रिया में मिला देते हैं। मिलावट नंबर दो, क्वालिटी का अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चीनी को पीस के खांड में मिला देते हैं। चीनी को पीस कर खांड में मिला देते हैं। हाँ, वो बिल्कुल बारीक दाना। हाँ, और उससे बाद में फिर पाउडर छाना आता है, जो छाना आता है उसको खांड में मिला देते हैं। उसको मिला देते हैं, उससे फिर वो सस्ती पड़ जाती है। वो उसको सस्ती पड़ जाती है। अच्छा, तो उसमें फिर खांड ज्यादा निकल जाती है, उससे भी वो क्वालिटी हल्की हो जाती है। क्यों मिलाते हैं चीनी? देखिए कई प्रकार के होते हैं, जब 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड जो भी होता है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जो सबसे लोअर वाला ग्रेड होता है बहुत ही फाइन, बहुत पतला पाउडर के फॉर्म में होता है, वो जो है गुड़ के प्राइस की तुलना में बहुत ही सस्ता मिलता है। तो लोग क्या करते हैं कि वहां से सस्ता वाला चीनी लेके आते हैं, जो गुड़ बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से आपके गुड़ की क्वांटिटी कई गुना बढ़ जाती है और आपका चीनी जो है गुड़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस केमिकल से बचने के लिए आप गुड़ खा रहे हैं वही केमिकल उसमें मिला हुआ है। एक बार फिर से बोलता हूँ, सारे लोग नहीं करते, जो लोग करते हैं, जो कुछ लोग नहीं करते, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। जहर नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानने के लिए, वो आज के डेट में बहुत ज्यादा मात्रा में मिलाया जा रहा है। उसको समझने और आपको समझाने के लिए हमको थोड़ा सा केमिस्ट्री का सहारा लेना पड़ेगा। मुझे पता है आप सबको बहुत बोरिंग लगती है, कमेंट में वीडियो भी लंबा हो जाता है, लेकिन हम, मैं नहीं तो कौन बे, आप चाहो तो 1-2 मिनट स्किप करके देख लीजिए, ठीक है। बढ़िया, कैमरा वुमन थोड़ा इस साइड आ जाओगे। ओके, तो ये जो सोडी, जो जितने भी सल्फाइड के कंपाउंड हैं, इसमें लोग गुड़ बनाते समय इसमें मिला दिया जाता है, ताकि इसका कलर जो है गोरे काले से जो है गोरा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से जैसे बोरो प्लस होता था ना, फेयर एंड लवली लगाने से 7 दिन में गोरा हो जाते हैं, उसी प्रकार से सल्फाइड कंपाउंड इसमें डाले जाते हैं। इसकी केमिस्ट्री क्या है? एक छोटा सा केमिकल भी रखा हुआ है जो आप कह रहे डालना पड़ता है, तो ये बताते हैं, ये सेफोलाइट केमिकल है, इसको घोल हाइड्रोजन कहते हैं, इसको हाइड्रोजन आप कहते हो,
इसको इसमें डालते हो हाँ। ताकि ये कलर। सबसे पहला जो कंपाउंड डाला जाता है उसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, O-N-A-N-O-N-A, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। दूसरा होता है सोडियम बाइसल्फाइड, तो एक सोडियम हटा के यहाँ पे OH लगा दीजिए और वो Na बना दो, सोडियम बाइसल्फाइड। तीसरा होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें डबल S हो जाता है, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ज़्यादातर जहाँ पे प्लस माइनस होता है वहाँ पे आयनिक बंड होता है और पानी में घुलता बहुत जल्दी है, ठीक है। ओके, जो चौथा चीज मिलाया जाता है उसको बोलते हैं सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, Na2S2O5, ठीक है, ये होता है। तो यस माइनस सिंगल बॉन्ड यस, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और इसके में ONA इधर लगाते हैं ONA, तो कितना ऑक्सीजन हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 NA हो गया, सब कुछ सही हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि सल्फर जो है कार्बन के ग्रुप में है, सबके चार हाथ होते हैं, ज़्यादातर देखो सल्फर के चार हाथ है, इसके चार हाथ, इसके चार हाथ, लेकिन इस सल्फर के छह हाथ हैं। बैलेंसी का चक्कर रे बाबू भैया, बैलेंसी का चक्कर फिर कभी बताएंगे। तो इतने कंपाउंड जो है गुड़, एक गुड़ को जो है काले गुड़ को गोरा में कन्वर्ट कर देता है, कैसे? अब सवाल उठता है कि गुड़ काला ही क्यों होता है? नेचुरल रूप से जितने भी प्रकार के आप सब्जी फूल फल खाए जाते हैं उसमें एक प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, एक प्रकार के नहीं कई प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, उसी पिगमेंट की वजह से ये काला हो जाता है। काला तो अब गन्ने के जूस को देखोगे तो कलर नहीं दिखता है, उसको क्लोरोफिल उसको पेड़ के तना की वजह से दिखता है, लेकिन आप तना छील के डालोगे तो उसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब उसको कंसेंट्रेट कर देते हैं इस तरीके से उसका कलर जो है असली रूप अपना दिखाना शुरू कर देता है। तो क्या होता है उसमें, उसमें होता है एंथोसायनिन, एक पिगमेंट होता है, जितने प्रकार के फल फ्रूट लाल पीला हरा गुलाबी देखते हैं वो सब एंथोसायनिन हो जाता है पाया जाता है। एक होता है कैरेटिनोइड, जो आप गाजर वगैरह खाते हैं उसमें एक पिगमेंट होता है। इसके अलावा होता है इसमें फ्लेवोनोइड, वो भी एक ऑरेंज ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसके अलावा एक होता है मिलेनोइड, मिलेनोइड का मतलब अभी मैं आपको इसके केमिस्ट्री समझाऊंगा, मिलेनोइड जो आपके शुगर के कंपाउंड के साथ कोई अगर अमीनो एसिड जुड़ जाता है, अभी मैं आगे बता दूंगा, तो उसके वजह से कलरफुल डार्क ब्राउन कलर होता है। इसका होता है मिलेनिन होता है, वो भी जो है डार्क मिलेनिन जो हमारे शरीर में कोला गारा गोरा काला वाला जो पिगमेंट होता है वही प्लांट में भी पाए जाते हैं। तो जितने भी मैंने आपको कलर बताया उसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है, इसको जो है पेंटोज बोलते हैं या गैलेक्टेज बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। इस तरह से जो है पॉलीमर के रूप में होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट संरचना मैं नहीं बना रहा हूं आपके लिए। तो हमारे पास इस जो सल्फाइड होते हैं इसमें देखिए जो हमारा SO3 के बाद का जो पार्ट है ये वाला, इस सल्फाइड कंपाउंड को बोलते हैं, इसमें जो है रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बहुत तेजी से क्रिया होती है। जिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब होता है कि जब एक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोला जाता है, और इस प्रकार के प्रक्रिया को बोलते हैं डिसप्रो, कुछ इस तरह से मैं नाम बोल रहा हूं आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि ये सारे कंपाउंड, जैसे इसको हम R मान लें, RSO3H, R का मतलब होता है आपका पिगमेंट, जैसे ये SO3 ग्रुप आपके पिगमेंट से जुड़ेगा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इतना तेजी से होता है कि जो अपना उसका कलर होता है वो बदल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से भला कैसे किसी भी चीज का कलर का परिवर्तन हो सकता है, उसका उदाहरण समझाने के लिए मैं आपको गुड़िया पत्ती तोड़ लूं, उसका उदाहरण समझाने के लिए मैं इस पत्ती से समझाता हूं कोई भी चीज कलरफुल दिखती क्यों है। जैसे कि मान लो ये पत्ता है, अगर ये हरा है तो हमको हरा क्यों दिखती है, जब इस पर किसी सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, सूरज की रोशनी में हर प्रकार के फ्रिक्वेंसी के वेवलेंथ होते हैं, जो विजिबल तरंगे नॉन विजिबल तरंगे, जो विजिबल तरंगे होती हैं इस पर पड़ती हैं तो सारे तरंगों को अवशोषण कर लेती है, किसी एक प्रकार के तरंग को ये रिफ्लेक्ट करती है, और जो रिफ्लेक्ट करती है वो जो है हरा कलर के वेवलेंथ के बराबर होती है जो हमारे आंखों तक पहुंचती है, इसलिए हमें पत्ती हरा दिखती है। अगर इसमें हम किसी का सल्फाइड ग्रुप SO3H या SO3SO2 कुछ इस तरह से जोड़ दें तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा कि ये जो है सारे लाइट को अब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन अब जो है सारे लाइट को आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, तो रिफ्लेक्ट कर देगा जिसकी वजह से आपको व्हाइट कलर दिखना शुरू हो जाएगा।
कहने का तात्पर्य है कि सारे जो पिगमेंट होते थे गुड़ में वो सारे इसमें हैं, लेकिन उसमें रिफ्लेक्ट करने की क्षमता न होने की वजह से वो जो है गुड़ आपको सफेद दिखाई देने लगता है। अब सवाल उठता है कि क्या सल्फाइड खाने में आपके लिए नुकसान करता है? जी हाँ, ये बेसिकली रूप से पूर्ण रूप से जहर होता है, और जहर इसलिए ऐसा काम करता है जैसे आइब्रुफेन होता है। आइब्रुफेन अगर आप खाली पेट कभी खा लो तो क्या होता है कि आपके जो स्टमक में, आपके पेट में जो है एक लेयर होता है आपके पेट के सेल से, उस लेयर को बोलते हैं म्यूकस। ये म्यूकस को तोड़ देता है। जब म्यूकस को तोड़ देता है तो आपके जो है पेट के या एलिमेंट्री बाकी के एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यू तक पहुंच जाता है। अगर पहुंच जाता है तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, इंजरी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अगर बहुत दिनों तक प्रक्रिया चलती रहे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। ये जो है जितने भी सल्फाइड के कंपाउंड है कुछ इस तरह से जहरीले के रूप में काम करते हैं। ये तो मैंने आपको डरा दिया, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। भगवान अगर दुख देते हैं तो सुख भी देते हैं, और उस सुख का नाम है कस्तूरी भिंडी। एक प्रकार का पौधा है जिसको जो है कई प्रकार के नामों से जाना जाता है। सप्लाई प्लांट के नाम से जाना जाता है, कलौजी, कस्तूरी भिंडी, जंगली भिंडी। बोटेनिकल नेम तो बहुत ही खतरनाक है, अबेल माचस मोचाटस। कस्तूरी भिंडी, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, कस्तूरी मस्क दाना, मस्क मतलब क्या चाहिए हमें? चख खुद से ले ले, मैं मिल्क दे के आता हूँ बच्चों को। इसके कस्तूरी भिंडी के तने को काट करके उसको अच्छे से कूच लिया जाता है। कूचने के बाद पानी में मिला दिया जाता है, और उस पानी को आप बोलते हैं लार या लारा बोलते हैं, वही लारा जो है डाल देते हैं गुड़ बनाने के प्रक्रिया में, और वो जो है सारे इम्प्योरिटी को कलेक्ट करके प्रेसिपिटेट होकर वो टॉप पे आ जाता है। बाद में उसको छान के फेंक दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो है कस्तूरी भिंडी का तना काम कैसे करता है? कस्तूरी भिंडी के तने में एक वैसा केमिकल, ऐसा चीज़ पाया जाता है जैसे जब आप पेड़ को चोट लग जाती है उसमें एक प्रकार का गम निकलता है, आप उसको चाहे हमारे यहाँ गुद्दा बोलते हैं, अगर उसको गुद्दे को लेकर के उस गम को लेकर पानी में घोल दीजिए तो वही एक लार बन जाता है। वही चीज़ अगर आप गुड़ बनाने के प्रक्रिया में डाल देते हैं तो वो जो है सारे ब्लैक चीज़ें को, जो कलरफुल जो पिगमेंटेड है, उसको प्रेसिपिटेट करके टॉप पे आ जाता है। अब उसको छान के निकाल के फेंक दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे गांव में तो गुड़ इतने सालों से बनता आ रहा है, ना तो हम जो है सकुलाई डालते हैं, ना तो हम सल्फाइड डालते हैं, ना तो हम कलर डालते हैं, फिर अचानक से आया कहां से? ये बात सही है, गांव में आज भी जो भी गुड़ बनते हैं वहां पर कोई किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता, लेकिन जो मार्केट में बेचा जाता है उसमें केमिकल मेरे तरफ से मान के चलिए मिला रहता है। लेकिन इसका सलूशन क्या है? मेरे रिसर्च के अनुसार मुझे ऐसा मिला कि ये वाले जो भैया हैं बहुत जमीन से जुड़े हुए से लगते हैं, ये इनको ज़्यादा पता है, काफ़ी घूम घूम के काफ़ी किसानों से मिलते हैं। अगर इनके साथ मिलकर एक मुहिम चलाया जाए कि अगर किसान से अगर हमें कह दे भैया कोई भी किसी भी प्रकार का केमिकल ना मिलाओ, हम बिना केमिकल वाला लेंगे, काला काला दिखेगा तब भी हम खरीद लेंगे, तो किसान कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें डालना किसान को सल्फाइड खरीद के डालना पड़ता है, इसलिए उनको महंगा पड़ता है। हालांकि बहुत से ऐसे किसान हैं जो किसी प्रकार का केमिकल डालते ही नहीं, चाहे उनको सस्ता मिले चाहे महंगा मिले, तो यहाँ तक कि वो जो है जो कस्तूरी भिंडी होता है वो भी वो डालते हैं। हमारा जी एक तो गन्ना ऑर्गेनिक है, बिल्कुल बगैर केमिकल की खेती का गन्ना है, बिल्कुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ गारंटी लेते हैं हम जी। मैंने देखा कि कई जगह गुड़ में सेफोलाइट टाइप की चीज मिला देते हैं सफाई के लिए, चमक के लिए, आपके यहाँ क्या करते हैं? हम तो सिर्फ सुखलाई से मैली उतारते हैं जी, उसके अलावा हम किसी तरह का कोई यूज नहीं करते। सुखलाई जो नेचुरल पौधा है। हाँ जी, हाँ, कस्तूरी भिंडी से याद आया कि कस्तूरी भिंडी का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। हालांकि अपने आयुर्वेदिक के अनुसार बहुत ज़्यादा औषधि गुड़ भी पाए जाते हैं उसमें, उसको खाने से आपके स्टमक की लाइनिंग को स्ट्रांग करता है, जिसकी वजह से आपको जो है डाइजेशन में आपको सहायता मिल सकती है, यहाँ तक कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो जो है सफलाई जो है बहुत पूरी तरीके से सेफ है। गांव में एक कहावत है, गुड़ गुड़ हो गया, चला चीनी हो गया। तो आइए समझते हैं कि क्या चीनी अच्छा है कि बुरा। अगर हम मान के चलें कि जो गुड़ बना हुआ है या जो आप खा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का सल्फाइट युक्त या किसी प्रकार का सप्लाई उसमें नहीं मिलाया गया है, तो क्या जो है सुअर के तुलना में गुड़ ज्यादा फायदा करता है? सुगर, क्या सुगर चीनी के तुलना में गुड़ ज्यादा फायदा करता है? इस चीज को समझने के लिए ढेर सारी भ्रांतियां जो मार्केट में फैली हुई है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि सुगर और चीनी का जो केमिकल फार्मूला वो क्या है। वो कुछ इस तरीके से होता है, CH2OH, पिंकी वाली कहां गई, ये है पिंकी वाले से लगाते हैं। ये हो गया आपका पेंटोज, ये हो गया CH2OH, इसको बोलते हैं सुक्रोज, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोज, इसको बोलते हैं
फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके जो बनता है वही उसको बोलते हैं सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब होता है चीनी, यही चीनी में भी है यही गुड़ में है, तो रासायनिक रूप से दोनों एक हैं। अगर कोई आपको कहे कि ये वाला करीवा वाला गुड़ या उजरका वाला गुड़ खाएंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा, लेकिन आप चीनी खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको समझने के लिए मैंने आपको क्लियरली रूप से बता दिया कि जो केमिकल फार्मूला दोनों का एक ही है, चाहे आप गुड़ खाओ चाहे चीनी खाओ, आपको ऊर्जा उतना ही देंगी, आपके शरीर में जो मिठास जाएगी दोनों बराबर मात्रा में ही जाएंगी। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि गुड़ ज़्यादा अच्छा चीनी की तुलना में, क्यों? उसका कारण यह है कि जब हम गन्ने को रस बना करके उसको हम गर्म करने की प्रक्रिया करते हैं तो गन्ने के जूस में पाए जाने वाला जितने भी अदर कंपोनेंट है, जैसे मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो भी इसमें कंसेंट्रेट के फॉर्म में मिला हुआ है, लेकिन चीनी में वो चीज़ निकाल दिया गया है। ये भी एक प्रकार का मिथ ही है। इस मिथ को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपको गुड़ खाना कितना है। गुड़ आपको खाना है 30 ग्राम, कितना हो गया 27 ग्राम। इतना अगर गुड़ आप खाते हैं दिन भर में तभी आपके लिए फायदेमंद है। अगर इससे ज्यादा आप खाते हैं तो आपको शरीर में इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, चाहे वो चीनी के रूप में खाएं 27 ग्राम या 30 ग्राम या गुड़ के फॉर्म में खाएं, दोनों बराबर ही हैं। अगर आप इतना गुड़ खाते हैं तो इस गुड़ में पाए जाने वाले सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, विटामिन नगण्य के बराबर है। आई रिपीट, अगर आपको कोई ये कहे कि चीनी की तुलना में गुड़ अच्छा है सिर्फ इसलिए कि उसमें जो है सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट ये सब ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो नहीं है, अगर आप 30 ग्राम खाते हैं तो उसमें नगण के बराबर है, इसलिए जो है चीनी और शुगर की तुलना में दोनों बराबर पाए जाते हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि गुड़ खाने से आपको इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो ये भी गलत है। डाइजेशन बेटर करता है गुड़ से इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गन्ने के जूस में पाए जाने वाले सारे मिनरल्स, विटामिन्स इसमें कंसेंट्रेट होकर इसमें पाया गया, उसी प्रकार से अगर गन्ने के जूस में किसी भी प्रकार का जहरीला पदार्थ मिला हो, जैसे कि कैडमियम, हैवी मेटल्स होते हैं, कुछ ऐसे जहाँ पे हम नदियों में या तालाब में हम अपने इंडस्ट्री का कचरा फेंकते हैं उसमें ढेर प्रकार के हैवी मेटल्स जैसे कैडमियम होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, वही पानी का इस्तेमाल करके अगर गन्ने की खेती किया गया है, अगर वो उसी गन्ने से अगर आपने गुड़ बनाया गया है तो वो चीज़, वो जो कैडमियम हैवी मेटल होते हैं वो चीनी में नहीं पाए जाते हैं बल्कि वो गुड़ में पाया जाता है। तो उसी तरह से प्लस और माइनस, साइंस हमेशा कहता है, हम हमेशा हमेशा आप दोनों पहलुओं को बराबर दृष्टि से समझिए, फिर आप एनालाइज कीजिए, तब आप किसी चीज़ के डिसीजन पे आ सकते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। या तो फिर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आप गुड़ खाते हैं तो आप मिठास के लिए खाते हैं, न कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लिए खाते हैं, इससे कहीं ज़्यादा मिनरल्स आपके रेगुलर फूड में मिलते हैं, इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका पीएच जो है कम होता है, इसका पीएच ज्यादा होता है, यानी बेसिक होता है, इस वजह से गुड़ अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फेनोलिक एसिड एक होता है, मतलब फेनोलिक एसिड, एसिड का मतलब होता है एसिड, एसिड का मतलब जहां जिसमें एसिड शब्द लगा हो, जुड़ा हुआ हो, समझ लीजिए कि वो एसिड है। तो प्लांट में पाए जाने वाले जितने भी प्रकार के एसिड्स है वो भी इसमें मिला हुआ है, उस एसिड की वजह से शुगर की तुलना में इसका पीएच कम होता है। अब एसिड आपको नुकसान करेगा नहीं करेगा वो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो पीएच की जो लोग बोलते रहते हैं वो चीज पूरी तरीके से गलत है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर आप गुड़ खाएंगे तो आपकी पाचन क्रिया को बढ़ा देता है, और चीनी खाएंगे तो सारा एनर्जी चीनी को ही पचाने में ही लग जाती है। 400 ग्राम खाना खाया और 10 ग्राम गुड़ खा लिया आपने भोजन के बाद, तो 400 ग्राम खाने को वो 10 ग्राम गुड़ पूरा हजम करा देगा, पचा देगा। और अब इसका उल्टा बता देता हूँ, आपने 400 ग्राम खाना खाया और उसके पीछे से एक चम्मच साखर आपने खाई, तो एक चम्मच साखर को पचाने में वो 400 ग्राम भोजन की पूरी ऊर्जा खर्च हो जाएगी, फिर भी वो पचेगी नहीं आप, इतना अंतर है साखर और गुड़। ये पूरे तरीके से गलत है। आप उसका गलत सिर्फ इसलिए है, ये जो है सिर्फ और सिर्फ केमिकल फार्मूला एक ही है। अगर चीनी खाने से जो ऊर्जा मिलेगी वही ऊर्जा आपको गुड़ खाने से भी मिलेगी। अगर आपको गुड़ पसंद है चाहे ललका चाहे उजरका चीनी के तुलना में तो आपके तो बल्ले बल्ले हैं। अगर आपको गुड़ पसंद नहीं है तो आप कुछ खो नहीं रहे हैं। लेकिन गाँव में आज भी गुड़ के बहुत बहुत बोलबाला है, बहुत लोग अच्छे चाव से खाते हैं, इतना पावरफुल है कि ये जो है हमारे शादी को भी कैंसिल कर चुका है। एक बार गांव में आज भी जो है गुड़ जो है ताले के अंदर बंद करके रखा जाता है, बाहर रखेंगे तो जो बच्चे लोग उठा उठा के खा जाते हैं। हुआ यूं कि एक बार हमको देखने वाले कुछ लड़की वाले देखने आए थे, तो घर पे कोई था नहीं, मेरे पिताजी थे, तो पिताजी ने जो है जल्दी जल्दी में जानते गांव में जब भी कोई आता है तो उसको चीनी दिया जाता है,
या फिर गुड़ दिया जाता है, तो उस समय जो है गुड़ देना मतलब अच्छा नहीं माना जाता था, खासतौर पे इस टाइप के मेहमान के लिए। अगर आप कोई भाई मेहमान आ गए, मेहमान को जो है गुड़ कभी नहीं दिया जाता, चीनी नहीं दिया जाता, ज़्यादातर उनको पार्ले चाहिए या मार्केट से जल्दी से मंगा के समोसा पकौड़ी वकौड़ी दो। तो घर में कोई था नहीं, तो पिताजी ने हमको जो है उन सबको पानी को पिलाने के लिए गुड़ दिया। गुड़ की क्वांटिटी जो है बहुत कम थी, ज़्यादातर जो है गाँव में जो है गुड़ भूस एक मटका में रख करके भूसे में गाड़ दिया जाता है ताकि बच्चों से दूर रहे, नहीं बच्चे लोग सब खा जाएंगे। तो उसमें से निकालते हैं उतना जितना उनको खाना होता है या खिलाना होता है, तो उसमें से निकालें, जब मटकी जब खोले तो मटकी में था नहीं। तो हमारे उस समय बहुत गरीबी दौर से गुजर रहा था हमारा परिवार, तो उसमें हमारे पास जो गुड़ के क्वांटिटी थे 4-5 टुकड़े इस तरह से पड़े हुए थे नीचे। पिताजी ने उसे निकाल कर प्लेट में रख के परोस के रख दिया, उसमें कुछ भूसे के टुकड़े भी थे। वही भूसा और गुड़ देख करके लड़की वाले भड़क गए और चले गए, और ये बोल के कि जिसके घर में हमको पानी पिलाने की चीनी तक भी नहीं है, नहीं उन्होंने ये वैसा बोला था कि भूसा वाला जो इंसान भूसा वाला गुड़ खिला के मेहमानों का स्वागत कर रहा है उसके घर हम शादी नहीं करेंगे, बोल के चले गए। अच्छा ही हुआ चले गए, नहीं तो आज हमको कैमरा पलटा गुड़िया जरा प्लीज इस जैसी कैमरा वुमन नहीं मिलती। मेरे सलाह से आपको सिर्फ जो है गुड़ खाना हो, चाहे चीनी खाओ चाहे मिश्री खाओ, 30 ग्राम से ज्यादा एक दिन में कभी ना खाओ। तो एक चीज ये भी बता दो कि मैंने चीनी के बारे में एक बहुत बढ़िया वीडियो बना रखा है, ये वाला आप वहां जाके देख सकते हैं, लोग चीनी के अच्छे और बुरे गुड़ को आप आसानी से पहचान सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको देख करके इतना सा भी फायदा हुआ है तो वीडियो 4-6 लोगों को भेज दीजिए, ऐसे लोगों को जिनको जानना चाहिए कि गुड़ कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, कितने प्रकार से याद आया, मैं एक चीज लाया था आपको दिखाया नहीं, कहाँ गया ये देखिए। चलिए मैं आपको अगले वीडियो में कभी दिखाऊंगा। गुड़ जो है सिर्फ गन्ने से ही नहीं बल्कि ये देखिए चुकंदर से बना हुआ गुड़ है, उस प्रकार से ये देखिए हमारे पास ये जो है मेपल सिरप है, मेपल एक प्रकार का पौधा होता है, उसमें से रस टपकते हैं, उसमें भी शुगर की मात्रा होती है, कंसेंट्रेट हो रही है, तो खांड बनाया गया है, ये भी इस प्रकार के भी, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो देखने से आपको इतना सा भी फायदा हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को 4-6 लोगों को भेज दीजिए, धन्यवाद। बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ आज, जस्ट चिल, मैं बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ सही में, रेडी? हे भगवान मेरे अंदर ऊर्जा डाल दे, ये घोड़ मेरे पेट में जाओ, एनर्जी दे ताकि मैं वीडियो बना सकूँ। 4 दिन की छुट्टी हो गई थी ना, इस वजह से ना एकदम शरीर में आलस घुस गया, अभी गुड़ खाएंगे तो एनर्जी आएगी, रेडी?